जब देश पर आया था बड़ा संकट, पेश करना पड़ा था ब्लैक बजट। जानिए क्या होता है काला बजट। निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में आम बजट पेश कर दिया है। यह आजाद भारत का 75वां आम बजट है। आपको बता दें, आजाद भारत में 2023 से पहले तक 74 आम बजट, 14 अंतरिम बजट और 4 विशेष बजट या लघु बजट पेश किए जा चुके हैं। लेकिन बजट को लेकर जो सबसे हैरान और चौंकाने वाली जानकारी है, उसके बारे में इक्का दुक्का लोग ही जानते हैं। जी हाँ, हम जिस बजट की बात कर रहे हैं उसे ब्लैक बजट कहा जाता है। आजाद भारत में अब तक सिर्फ एक बार ही ऐसा मौका आया है जब ब्लैक बजट पेश किया गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्लैक बजट क्या होता है, इसे कब और क्यों पेश किया जाता है। तो चलिए अपने इस रिपोर्ट में हम आपको ब्लैक बजट से जुड़ी सभी जानकारियां बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है ब्लैक बजट। ब्लैक बजट उसे कहते हैं जिसमें सरकार को खर्च में कटौती करने की नौबत आए। उदाहरण के लिए, अगर सरकार की आय 500 रुपए है और उसका खर्च 550 रुपए, तो सरकार को बजट में कटौती करने की जरूरत होगी। इस कटौती वाले बजट को ही ब्लैक बजट कहा जाता है। भारत में अब तक 1973 में ही ब्लैक बजट पेश किया गया था। बात साल 1973-74 की है। इसी दौरान सरकार ने जो बजट पेश किया था वो 550 करोड़ के घाटे का था। ऐसा इसलिए था क्योंकि साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ऐसे में देश में हालात काफी खराब हो गए थे, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ये वो साल था जब मानसून भी अच्छा नहीं हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इन्हीं सभी हालातों की वजह से देश की कमाई कम और खर्चा ज्यादा हुआ था, देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा था। ऐसे समय में उस समय के वित्त मंत्री यशवंत राव बी चौहान को ब्लैक बजट पेश करना पड़ा था। जब ब्लैक बजट पेश किया गया था तब उसमें सामान्य बीमा कंपनियों, भारतीय कॉपर कॉर्पोरेशन और कोल माइंस के राष्ट्रीयकरण के लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। हालांकि बजट में 550 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। ऐसा कहा जाता कि कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने से काफी असर पड़ा था। कोल माइंस पर सरकार के नियंत्रण से मार्केट कॉम्पिटिशन खत्म हो गया था। आमतौर पर देश में आम बजट ही पेश किया जाता है। ब्लैक बजट आजाद भारत के इतिहास में अभी तक सिर्फ एक बार ही पेश किया गया है। आम बजट के अलावा निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट और अंतरिम बजट भी बजट के ही प्रकार हैं। आम बजट को संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत संसद में पेश किया जाता है। अंतरिम बजट को अनुच्छेद 116 के तहत पेश किया जाता है। हालांकि अंतरिम बजट में सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं लेती है और ना ही कोई नया टैक्स लगाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।